नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार लोगों के कमेंट्स और फ़ोन आ रहे थे और एक डाउट बना हुआ था कि जो UPSC की अभी मेरिट आई है तो फाइनल सेलेक्शन में जो मिक्सिंग है वो होगी या नहीं। तो दोस्तों, उसी संबंध में नोटिस है, तो चलिए सबसे पहले नोटिस देख लेते हैं कि क्या इसमें इन्फॉर्मेशन है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, दिनांक 17 जुलाई 2019, आयोग के विज्ञापन संख्या 47 में विज्ञापित सहायक आचार्य पदों की लिखित परीक्षा के उपरांत साक्षात्कार हेतु शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के अंतिम अंक अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से अधिक होने पर प्राप्त आपत्तियों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों में भ्रामक सूचना फैलाकर आयोग की सुचिता, गरिमा और विश्वसनीयता को अकारण कम किया जा रहा है। उक्त संबंध में आयोग की बैठक संख्या 1040 दिनांक 17 जुलाई 2019 में निर्णय लिया गया है कि लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों का निर्धारण उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विनियमावली 2014 के बिंदु 6.2 में दी गई व्यवस्था के अनुसार वर्गवार रिक्त पद के सापेक्ष 5 गुने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया है। ध्यातव्य है कि ये रिक्तियाँ वर्गवार उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोग को प्राप्त होती हैं, अर्थात आयोग को वर्गवार रिक्तियों की संख्या को घटाने बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। आयोग मात्र परीक्षादायी संस्था है। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट करना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994 के बिंदु 3.6 में स्पष्ट किया गया है कि यदि उपधारा 1 के अनुसार आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर यह सामान्य की मेरिट में स्थान पाता है तो वह भी सामान्य श्रेणी में ही चयनित किया जा सकेगा। इस प्राविधान का आयोग द्वारा पूर्ण अनुपालन किया जाता रहे। यह भी स्पष्ट करना है कि लिखित परीक्षा संपूर्ण चयन प्रक्रिया की एक बीच की कड़ी है, जिसमें अभ्यर्थियों को मात्र साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया गया है। ध्यातव्य है कि लिखित परीक्षा का परिणाम चयन नहीं होता है। आयोग द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विनियमावली 2014 के बिंदु 6.2 साक्षात्कार के पश्चात सबल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पश्चात सबल अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों की समेकित मेरिट सूची के आधार पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994 के बिंदु 3.6 के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी अनारक्षित सामान्य श्रेणी में चयनित किए जा सकेंगे। इस प्रकार आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994 के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं किया गया, बल्कि चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा आरक्षण संबंधी नियमों, अधिनियमों एवं संवैधानिक व्यवस्था के अधीन स्थापित सभी मानकों का विधिवत अनुपालन किया गया है। और ये सचिव उच्च शिक्षा आयोग, दोस्तों ये नोटिस है, इसका देखिए सारांश बिल्कुल साफ है, आप लोग समझ गए होंगे कि अभी इंटरव्यू में आपके मार्क्स मिलेंगे और जो आपके रिटर्न में है उसके आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी, और मेरिट में सबसे पहले जो मेरिट निकलेगी वो जनरल के कैंडिडेट लिए जाएंगे, उसके बाद जो है OBC की अलग बनेगी, SC ST की अलग बनेगी, यानी कुल मिला के जो आपका फाइनल सिलेक्शन होना है तो उसमें मिक्सिंग होगी। तो अब एक ही चीज़ बचती है दोस्तों कि यदि अभी तक आप अपने को सिक्योर समझ रहे थे कि यदि आपके नंबर अच्छे थे तो और आप जो है इंटरव्यू को हल्के में ले रहे हैं, तो मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आप लोग मन लगा के इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स अब बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाले हैं आपके सिलेक्शन में, फाइनल सिलेक्शन में। तो प्लीज़ आप साक्षात्कार की तैयारी मन लगा के करना स्टार्ट कर दीजिए, और यदि आप साक्षात्कार की तैयारी से संबंधित हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि एक पेड ग्रुप है, तो आप जो है उसके लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।